अकलौती लाडली बेटी अकबा भी मिलने आ गई। My dad's a very headstrong person, and I do inherit that from him. भारत के खिलाफ हैट्रिक की, बहुत नाम कमाया, 7/37 का शानदार रिकॉर्ड बनाया। ये भारत से कोई आपका खास मुआशका है कि जब भी भारत गए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी? जब इंडिया से आप खेलते हैं तो आपको एक मोटिवेशन ही मोटिवेशन है, उसमें दिल भी चाहता है, एक एक बॉल, एक एक 6 बार मैन ऑफ द मैच बने, हाँ एक एक लम्हा, वो मजा मुझे बहुत आता है। और मुझे मजा तब आता है जब गेम पकी हुई हो। रवि शास्त्री को आउट किया, सचिन तेंदुलकर को आउट किया, अजहरुद्दीन को आउट किया, सबसे ज्यादा कौन सी विकेट गिराना अच्छा लगा? जब तक तो आप पहली विकेट थी वो तो रूटीन थी ना, आप करते रहते हो आउट। जब दूसरा आउट हो गया तो फिर जो तीसरा है, जो हैट्रिक के लिए आप भाग रहे हो, वो लोग पूछते हैं आप क्या सोचा, क्या प्लान किया, कुछ नहीं होता। आप हैट्रिक जानबूझ के नहीं कर सकते, जोर लगा के भी नहीं कर सकते, जोर लगा के भी नहीं कर सकते, जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। तो ये होती ऐसे है कि आप ये चीज़ें आपसे होती तब जब आपका जो माइंड और बॉडी कनेक्शन जब पीक पर होता है ना, जब आप एक इंच भी मिस नहीं कर सकते। जहां मैं करने की कोशिश कर रहा था बॉल, मुझे इतना बिलीव था कि उधर ही जाएगी। PSL का तजर्बा कैसा रहा? इसके मुस्तकबिल में क्या इम्कान देखते हैं? क्या ये पाकिस्तान अगर इस गेम को लाया जाए यहाँ कामयाब होगी? किस तरह से आप प्रॉस्पेक्ट्स देखते हैं? जो PSL है ये एक लाइफ लाइन है इस मुल्क के लिए, क्योंकि 10 साल हो गए IPL को चलते हुए। जिस दिन ये IPL 10 साल पहले, मुझे याद है कपिल देव, मदन लाल, मैं एक ही उनका एक टीवी चैनल उसके ऊपर बैठे कमेंट्री कर रहे थे और वो इसी तरह सोच रहे कि यार ये क्या फजूल सी गेम लेके आ रहे हैं, T20 गेम को ख़राब कर रहे हैं, गेम तबाह हो जाएगी। तो आज देखिए कि उस 10 साल पुराना इंडिया और इस PSL के बाद का इंडिया, उनकी जितनी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वो सारी की सारी प्रोफेशनल हो गई। हमारा क्या मुस्तकबिल होगा? हमारा मुस्तकबिल देखें, जिस दिन ये लीग पाकिस्तान में आ गई उस दिन ये IPL से भी बड़ी लीग हो जाएगी, क्योंकि लोग अब वो सारा कुछ देख रहे हैं। और जब उनको ये मौका मिलेगा, जैसे ये उसने साबित किया जब PSL का फाइनल हुआ है, कि अगर आपका 2 लाख का स्टेडियम होता तो 2 लाख 5 लाख लोग भी उसको देखने आ जाते। और इससे हुआ क्या कि जो आपका एक टिपिकल सिस्टम है ना PCB का, वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी अपनी एसोसिएशन बनाई हुई हैं, वहाँ सिफारिशें ये वो सारी। तो ये प्राइवेट लोग जब आया ना, तो मैं तो ज़िंदगी में इतना अच्छा काम, मेरी सारी जो जो क्रिकेट प्लेइंग डेज, माय कोचिंग, क्रिकेट खेलनी बंद की तो कोच बन गया बगैर कोई ट्रेनिंग की है। मैंने प्लेयर तो मैं एम ही बन गया, लेकिन कोच बनने के लिए मैंने कुछ 6-7 साल इसकी ट्रेनिंग ली है। कोच को बहुत पैसे भी मिलते हैं? जब मैंने कोच बनने का सोचा था तो इसमें पैसे मिलते थे आपको, जो PCB से मुझे पैसे मिलते थे ना पहले 2-3 साल, वो मिलते थे आई थिंक 85,000 पर ईयर। 85,000 पर ईयर दुनिया में तो आपको पता है कि बहुत पैसे मिलते हैं। अच्छा। फुटबॉल के कोचेस नहीं, देखिए तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था, मैं अपने आप को कोच बना रहा था। तो जब आप पढ़ रहे होते हो तो कमा तो नहीं रहे होते, तो आई वॉज द फर्स्ट वन कि जिसने कहा कि नहीं कोच बनना है, वो बनना है और बन के फिर कुछ करना है। तो अब कितने लेते हैं? तो आप बहुत लेते हैं, अब तो हर जगह से ऑफर्स आती हैं, 8 लाख 10 लाख महीने के आम मिल जाते हैं। देखिए उसको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, हमारे कोचेज हैं जो नेशनल टीम का कोच बनता है उसको जो महीने के हैं वो 30-30 लाख भी मिलता है। जो फ्रेंचाइज के कोचेज हैं उनको भी 10-10, 15-15 लाख मिलता है। डर ये है कि सट्टेबाजी कहीं PSL को और पाकिस्तानी क्रिकेट को नुकसान ना पहुँचा दे जैसे अब हुआ। देखिए इसमें चैलेंज तो ये है, क्योंकि
ये जो सट्टेबाज हैं ये देखते यही रहते हैं कि कहाँ वीक लिंक है, उसको जाके एक्सप्लॉयट करें। अगर आप देखें तो जब ये क्रिकेट कमर्शलाइज्ड हुई तो उन्होंने जो छोटे छोटे डिप्राइव्ड कंट्रीज़ है ना, जहाँ पे लोगों के पाकिस्तान जैसा कल्चर है, इंडिया है, वेस्ट इंडीज़ है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, कि जहाँ पे इंसान को ख़रीदना आसान है, सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता से ICC इन्वॉल्व हुई तो वो थोड़े थोड़े दूर होते गए। जब ये प्राइवेट लीग्स आई तो उनके तो वारे न्यारे हो गए। जिस तरह IPL आई तो उनके लिए ये था कि यार इसमें तो प्लेयर को कन्विंस करना आसान बात है कि कौन सा तुम मुल्क बेच रहे हो, एक फ्रेंचाइज एक तुम हो, क्या फ़र्क पड़ता है इसमें, कौन सा तुम्हें कोई धरती माँ को तुम बेच रहे हो। तो उनके एलिमेंट ये सामने आया। लेकिन हुआ ये कि IPL या जो फ्रेंचाइज के बाद जो प्लेयर्स हैं वो प्रोफेशनल्स हो गए, उनके पास पैसा आना शुरू हो गया। अब देखें ना कि ये 20-25 दिन का टूर्नामेंट होता है और आपको $2-2 million वो दे देते हैं प्लेयर्स को, तो प्लेयर्स की भी आंखें खुली कि यार मुझे अगर इतना पैसा मिल रहा है, दिस इज़ वन लीग, मैं अगर साल में 4-5 लीग खेलता हूँ तो मेरे पास तो इतना पैसा है कि जो बुकी मुझे दे ही नहीं सकता, या देगा भी तो मुझे क्या ज़रूरत है। ये सिर्फ दो साल और डर है, उसके बाद ये लीग इतनी कि ज़्यादा इस्टेब्लिश हो जानी, क्योंकि ये जितने फॉरेन प्लेयर्स हैं हमारे पास आए हैं वो सारी लीग्स में खेलते हैं, जो PSL में भी खेलते हैं, वो ये कहते हैं कि इससे कंपेटिटिव क्रिकेट किसी और लीग में नहीं है। क्रिकेटर और कोच की हैसियत से क्रिकेट पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आज तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेटर कौन रहा है? यूनस खान ने अभी ये साबित कर दी है कि उस जैसा बैट्समैन पाकिस्तान में और कोई नहीं आया। लेकिन ओवरऑल जो क्रिकेटर की जब आप बात करते हैं कि जिस इंसान का इम्पैक्ट तमाम जितने आज तक पाकिस्तान में क्रिकेटर आए हैं वो कौन है, तो वो इमरान खान है। तो क्या आप इमरान खान की सियासत से भी इत्तेफाक रखते हैं? कोशिश करता हूँ कि नॉन सियासी रहो, लेकिन पाकिस्तान में रह के इससे दूर तो कोई जा नहीं सकता। लेकिन एक जो जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ एज पर्सनल, उनकी पर्सनैलिटी, वो कुछ कर सकते हैं जो आज तक यहाँ कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो आदमी इतना कंसिस्टेंट है, और ज़िंदगी में जो बंदा एक चीज़ के ऊपर लॉन्गर पीरियड तक फोकस करे वो कभी मार नहीं खा सकता। एक चीज़ तो बड़ी जाहिर है, बहुत क्लियर हूँ कि वो इंसान करप्ट नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा किसी का फोकस नहीं हो सकता। तो एज़ लीडर यस। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा कामयाब कौन रहा आपकी नज़र में, और सबसे बुरा क्रिकेटर कौन था? देखिए, सबसे अच्छा कप्तान जिसका इम्पैक्ट आज तक है हमारी जिंदगियों के ऊपर है, जिसकी छाप, जिसकी आइडेंटिटी कई सालों तक चलती है, तो वो इमरान खान है। और सबसे बुरा क्रिकेटर वो है कि जो अपनी एक ऐसी लेगेसी छोड़ के जाए कि जिससे पाकिस्तान का नाम भी ख़राब हो। वो हैं कौन ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो जुए वाले जिसमें जिन लोगों के नाम आए हुए हैं, सलीम मलिक हैं, अभी सलमान भट्ट हैं, आमिर हैं, सबसे बुरे लोग ये हैं, नाकाम भी लोग यही हैं। बहुत बड़े स्टार रहे हैं, आपको भी जुए की पेशकशें तो हुई होंगी? बिल्कुल हुई हैं, और अभी तक लोग अप्रोच एट टाइम्स करने की कोशिश करते हैं। हुसन में क्या पसंद है आपको, कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, बाल, नाक, आँखें, लब? देखिए, होता तो आपका फेस है, जब बाकी तो बाद की चीज़ें शुरू होती हैं। जब मैंने उनकी सीरत देख ली, मैंने उसकी आदत देख ली, तो जो आपका चेहरा है उसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले आप किसी को देखते हैं तो आँखों में आँखें आपकी तरफ बढ़ती, क्योंकि आप कभी ऐसे नहीं किसी की तरफ ऐसे देखेंगे, तो इंटरेक्शन सब
आंखों से होगी। आंखें कैसी हो? आंखें अच्छी लगती हैं, थोड़ी बड़ी हो और विजिबल हो ना, नजर आए और चमक हो उनमें। रात को घर वापस आए, उनको कुत्ते पालने का शौक भी है। उनकी बीवी फरजाना बरकी मुसन्नफा और शायरा हैं। अकलौती लाडली बेटी अकबा भी मिलने आ गई। My dad's a very headstrong person, and I do inherit that from him. He's very precise about certain things, and I definitely see that in myself. But I think it's the same thing that I am against a bit as well, because obviously if he takes a stance against something, then you can't change his decision. So I can't. But you argue? I do argue. There's a lot of pleading and convincing, and but he just sticks to what he wants to do, and you can't change his mind about anything.